नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। सत्ता के संग्राम में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जो है जारी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका मिलने के बाद झारखंड ने थोड़ी राहत दी है। राज्य की सभी 83 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन आसानी से बहुमत हासिल करता दिख रहा है। महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में थे, जहां बीजेपी ने एजेएसयू, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, तो वहीं कांग्रेस ने हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम, आरजेडी और सीपीआई के साथ हाथ मिलाया था। रुझानों की बात करें तो झारखंड की 81 सीटों में से जेएमएम कांग्रेस गठबंधन 50 सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी गठबंधन को महज 30 सीटों पर बढ़त हासिल है। वहीं इसके साथ ही देश में 15 राज्यों के 46 राज्यों में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। यूपी उपचुनाव के लिए शुरुआती रुझानों में 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है, जबकि सपा को 2 सीटों पर बढ़त है। सबसे बड़ा उलट फिर कुदनरकी में देखने को मिल रहा है। यहां बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ने सपा के हाजी रिजवान को पछाड़ दिया है। वहीं इसमें असम, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल में मतगणना जारी है। और छत्तीसगढ़ दक्षिणी रायपुर उपचुनाव पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जुड़ गए हैं और अनिरुद्ध दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। और सबसे पहले सत्य प्रकाश जी से सवाल। सत्य प्रकाश जी, सुनील सोनी जो है बीजेपी प्रत्याशी, वो आगे बढ़ रहे हैं, शुरू से जो उनकी लीड है वो लगातार जारी है और उसी पर कायम है, क्या कुछ कहेंगे? थोड़े सारे थे, मगर देखिए अभी गिनती चल रही है, थोड़े से शुरुआती रुझान है, अभी उतने स्पष्टता भी नहीं बोल सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हमने ऐसे कई एग्जिट पोल या मीडिया में बातें चल जाए, छत्तीसगढ़ चुनाव देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, तो अंतिम में जाते जाते फैसले बदल भी जाते हैं, इसलिए अभी बहुत शुरुआती है। और हमने जो मुद्दे उठाए हैं वो दक्षिण की विकास की बात कर ली जाए, निष्क्रियता की बात कर ली जाए, जो निष्क्रियता तमगा अभी भी लगाई हुआ है, भले वो लीड में आगे चल रहे अलग विषय है, मगर जनता वहां की जानती है उन्होंने 5 साल में क्या किया क्या नहीं किया। आकाश शर्मा जी हो या हमारी पार्टी, हमने जो मुद्दे उठाए थे, विकास की बात की थी हमने, वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं, बृजमोहन जी इतने सालों तक वहां विधायक रहे, मंत्री रहे इतने सालों तक लगातार, उसके बाद उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो जो मुद्दे उठाए थे वो जनता को कहने का विश्वास हुआ है। और जनता को जो पिछले एक साल लगभग होने जा रही सरकार का, वो जो एक साल में जो मिला है, अपराध देख लीजिए, बलात्कार देख लीजिए, लूट, चाकूबाजी, तमाम चीजें जो मिल रही है, जो बोला मतारे बंदर सबको नहीं उसका फायदा मिल रहा है, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, तो ये तमाम चीजें जो हैं उसके तहत जनता ने मन बना रखा है कि किसके साथ जाएंगे, कांग्रेस साथ जाएंगे। और देखिए मैं जिस बार बोल रहा हूं, अंतिम फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, अंतिम फैसला कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में ही आएगा। मतलब कि आपको पूरा विश्वास है कि आकाश शर्मा जीत रहे हैं, रुझानों में बदलाव होगा, आपको विश्वास है ये? देखिए कविता, विश्वास हमको इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि जनता को, अगर देखिए आपने खुद ने टीवी स्क्रीन पे भी चलाया होगा कि वहां की कॉलोनी ने क्यों मतदान का बहिष्कार किया, क्यों सुनील सोनी जी का विरोध हुआ भाटा का बस स्टैंड में, तो ये तमाम चीजें हैं ना कि जनता को मिला कुछ नहीं है, पिछले 34-35 साल में मिला कुछ नहीं है, और एक साल में क्या मिला वो भी जनता देख रही है। इसलिए बोल रहे जनता हमारे साथ है, विपक्ष का धर्म हमने एक साल में निभाया है, तो जनता देख रही है विपक्ष हमारे साथ हमेशा खड़ी रही है एक साल के अंदर, और सत्ता में आने के बाद ये हमको भूल चुके हैं, तो ये तमाम चीजें जो है ये दिखाती है कि जनता किसके साथ है। और मैंने बोला ना, आप छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव देख लीजिए, आप हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, आप अंतिम समय में जाके क्या हुआ है, दोनों जगह यही हुआ था, इसलिए मैं बोल रहा हूं अंतिम समय तक इंतजार कीजिए और फैसला कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में ही आएगा। बिल्कुल अनिरुद्ध दुबे जी, सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि फैसला जो है कांग्रेस के पक्ष में आएगा, रुझान में बदलाव होगा, अंतिम समय का इंतजार करने को बोल रहे हैं, क्या आपका आकलन क्या कहता है? देखिए सत्य प्रकाश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और विपक्ष की भूमिका जो निभानी चाहिए वो निभा रहे हैं और जो बोलना चाहिए वैसा बोल रहे हैं, लेकिन तस्वीर बहुत साफ है। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव में कमल खिल रहा है, सुनील सोनी जीत रहे हैं, उनका जो अजय अभियान था जो रायपुर नगर निगम के सभापति से शुरू हुआ था, फिर वो महापौर बने,
फिर रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने, फिर सांसद बने, अब रायपुर दक्षिण चुनाव भी वो जीत रहे हैं। एक पत्रकार के रूप में रख लो, किसी पार्टी विशेष के रूप में नहीं। बात जो है यहाँ पे कि कांग्रेस और भाजपा, भाजपा निश्चित रूप से वो रायपुर दक्षिण देखें, रायपुर दक्षिण में कोई चुनाव जो है कांग्रेस नहीं जीती। परिसीमन के बाद 2008 में जो है रायपुर दक्षिण जो है सीट अस्तित्व में आई थी, तो 2008, 2013, 2018, 2023 चार चुनाव हुए जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के जो है अजय रहे थे नेता। और अभी जो पिछला चुनाव था 2023 का, वो तो मतलब पूरे प्रदेश में सबसे अधिक मतों से बृजमोहन अग्रवाल जी जीते थे महंत राम सुंदर दास जी के खिलाफ, और महंत राम सुंदर दास जी भी रायपुर दक्षिण से जो उतरे थे उनमें दो बार विधायक रह चुके हैं और वह सम्मानित व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जी। लेकिन चुनाव तो चुनाव है, ये तो पहले से ही स्पष्ट था कि बृजमोहन अग्रवाल जी जैसी लीड जो है सुनील सोनी जी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि सुनील सोनी जी और बृजमोहन अग्रवाल जी जो है अलग अलग व्यक्तित्व है दोनों का। लेकिन लोग आकलन कर रहे थे कि भले जीत हार का अंतर कम मतों से रहे लेकिन जीतेंगे सुनील सोनी जी, और वो बात आज परिलक्षित होती दिखाई दे रही है। एक बात मैं और कहूंगा, पिछले जो चार आम चुनाव हुए अपना 8, 13, 18, 23, उसकी तुलना में कांग्रेस जो है ये उपचुनाव सबसे अच्छे तरीके से लड़ी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, इसमें कहीं कोई इंकार नहीं है। लेकिन जो इनके जो चुनावी रणनीतिकार थे उनकी रणनीति फेल हो गई। फेल होने का कारण यह है कि जो यहाँ पे जहां तक के मैं सुनता रहा था, कोई बहुत जाके वहां पे उठ बैठ के बातचीत करता नहीं था, तो जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे आकाश शर्मा, उनके ससुर हैं राजेश तिवारी, कांकेर को बिलोंग करते हैं जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, पूरा प्रबंधन उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था और उनके अनुभव पे कोई शक नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन माना यह जा रहा था कि मतलब ये फार्मूले पे ज्यादा काम किया गया कि जो अल्पसंख्यक का वोट है वो तो कांग्रेस का कमिटेड वोट है, वो तो कहीं नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से रायपुर की जो चार सीटें हैं जो है, रायपुर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ग्रामीण, उसमें सबसे ज्यादा देखे तो ब्राह्मण जो है मतदाता रायपुर दक्षिण में, तो उनके दिमाग में यह भी था कि अल्पसंख्यक सीट तो कहीं जा ही रही है और अब ब्राह्मण मतदाताओं को साध ले तो ऊंट किसी और करवट बैठ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, जो सबसे बड़ी चूक हुई होगी जहां तक मेरा अनुमान है, देखिए अभी तो बहुत सारी बातें साफ आएगी, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग स्टोरी आएंगी, ओबीसी मतदाताओं पे जो पकड़ बनानी थी भारतीय कांग्रेस के नेता जो है वहां पे पकड़ नहीं बना पाए जी। तो कांग्रेस में जो वहां पे दो सक्रिय नजर आ रहे थे ओबीसी के नेता, तो एक जो है कसडोल के कांग्रेस विधायक जो है संदीप साहू और दूसरा कांग्रेस के पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू, तो जो ओबीसी का जो बहुत बड़ा गड्ढा था, मैं समझ पा रहा हूं कि ये जो गड्ढा जो है कांग्रेस को रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में नुकसान पहुंचा गया जी। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, आपको तो उम्मीद है, पूरा उम्मीद या पूरा भरोसा ही आप कह रहे हैं कि अंत समय में बदलाव होगा, लेकिन वोटों की गिनती तो कुछ और ही कह रही है ना, आधे से ज्यादा वोटों से पीछे हैं आकाश। ऐसा क्या बदल जी जी, वोटों की गिनती कुछ और बोल रही है, वो मैं भी आपके टीवी स्क्रीन पे देख, मैं जी वही बोल रहा हूँ, मैं भी आपकी टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मगर देखिए जैसे मैंने बोला ना, आप पुराना इतिहास उठा के देखिए, पुराने चुनावों के मतगणना उठा के देखिए, तमाम ऐसी चीजें हैं, कभी कभी ऐसा उलटफेर होता है कि मात्र 100 वोट से प्रत्याशी जीत जाता है, 500 वोटों से जीत जाता है, 800 वोटों से जीत जाता है, तो ये भी चीजें हमने देखी है इसी लोकतंत्र में, इसी देश में, इसी प्रदेश में भी देखी है, आप टीएस बाबा जी का देख लीजिए आप, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इस टाइप की चीजें होती है, इसलिए होंगी ही होंगी, क्योंकि हमको मालूम है, हमने काम किया, जैसे मैं भी कार्यकर्ता के तौर मैंने भी जमीन स्तर में काम किया है, लोगों से मैं मिला हूँ, लोगों ने फीडबैक जो दिया है, वो लोग नाराज क्यों है, क्योंकि उन्होंने यही बोला है, 5 साल हमको कुछ मिला नहीं है, इस बार हमको बदलाव करना है, एक युवा हमारे पास आ रहा है, एक युवा हमको एक आस दे रहा है, विपक्ष के नाते कांग्रेस हमको आज दे रही है, और पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि विपक्ष के नाते वो हमारा धर्म अपना धर्म अपना रही है, हमारी आवाज उठा रही है, मगर सत्ता में बैठने के बाद ही हमको भूल गए हैं। बृजमोहन जी के साथ क्या हुआ वो भी वहां की जनता देख रही है, कि हमारे जनप्रतिनिधि जो 30 सालों तक रहे उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, अगर वो नहीं है उसके बाद हमारे साथ क्या होगा। लेकिन सत्य प्रकाश जी, आप बृजमोहन जी की बात कर रहे हैं, हमने काम किया, कार्यकर्ताओं ने काम किया, तो वहां देखा है। बृजमोहन अग्रवाल जी को तो जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, 8 बार के विधायक रहे, फिर सांसद भी उनको बना दिया गया। वही वही कविता जी बोल रहा हूँ कि उनको सांसद बनाया गया तब भी उनके आंसू छलके थे,
क्षेत्र की जनता भी आहत हुई थी कि इतने सालों तक हमारे जनप्रतिनिधि रहे, उनको यहां से वहां भेजा क्यों गया, वो भी सबके सामने ये बंद कमरे में क्या हुआ था, इनके मंत्रियों के साथ क्या हुआ था, वो भी अखबार की सुर्खियां बनी थी। तो जनता ने वो भी देखा है, और सांसद तौर पर अगर वो दिल्ली गए हैं तो उनको एक मंत्री तक नहीं बनाया गया, केंद्रीय मंत्री छोड़ दीजिए, राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया, अभी उस बात को छोड़ दीजिए, अभी उस बात को छोड़ दीजिए, जनता ने देखा तो उससे भी आहत है, इसलिए बोलो ना। और दूसरी बात, दूसरे सोने में सोएगा सुनील सोनी जी, ठीक है, आपको रोकूंगा सत्यप्रकाश जी, बोलो ना जी। रायपुर से संवाददाता दिलीप साहू जुड़े हैं, दिलीप क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, जानकारी दीजिए जी। जी कविता, बता दें कि दसवें राउंड का मतगणना पूरी हो चुकी है, और दसवें राउंड के बाद बीजेपी के जो प्रत्याशी है सुनील सोनी, उन्हें लगभग निर्णायक बढ़त मिल चुकी है। दसवें राउंड के बाद 20,629 से अधिक मतों से वे आगे चल रहे हैं, और अभी कुल उनको जो वोटें मिली है, कुल मत मिले हैं वो 42,667। वही जो कांग्रेस के प्रत्याशी है आकाश शर्मा, उसे महज 22,038 मत ही मिले हैं। 10 राउंड पूरे हो चुके हैं, केवल 9 राउंड की गिनती होनी बाकी है, और इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से एक निर्णायक बढ़त की स्थिति सुनील सोनी को नजर आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के नेतागण जुड़े हुए हैं, हमसे चर्चा करेंगे, जानेंगे। बृजेश पांडे जी हैं, लगातार उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करते रहे, और रायपुर दक्षिण की नब्ज ये अच्छे से जानते हैं, क्या वजह मानते हैं इतने निर्णायक बढ़त जो मिली इसके? देखिए, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का, विष्णुदेव सरकार का जो 10 माह का कार्यकाल रहा है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। उसके अलावा बृजमोहन जी जो 8 बार के विधायक थे और इस बार सांसद बने हैं रिकॉर्ड मतों से जीत के, उनका जो कार्यकाल रहा है, और सुनील सोनी का जो पार्षद, फिर महापौर, फिर आरडीए अध्यक्ष, फिर सांसद बनना, ये बहुत सारी चीजें काउंट होती है, कोई एक चीज पे इतने बड़ा लीड नहीं मिलता है। और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर बना हुआ है, और हम सोच रहे हैं कि कम से कम 40,000 के आसपास लीड प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस लगातार सुनील सोनी को निष्क्रिय प्रत्याशी के तौर पर पेश करती रही। देखिए, वो कांग्रेस का भ्रामक प्रचार था, और जनता ने उसे डिसाइड कर दिया कि कौन सक्रिय है और कौन निष्क्रिय है। अब जनता जनार्दन होती है, जनता ने जब डिसाइड कर दिया है तो उसके बाद अब वो किस मुंह से सवाल पूछेंगे। जी, बिल्कुल। हमारे साथ और कुछ साथी है बीजेपी के, अमित मैसरी जी है। ये जिस तरह से बढ़त मिल रही है और जिस तरह से स्थिति दिख रही है, क्या इसकी उम्मीद कर रहे थे आप लोग? जी बिल्कुल, पोलिंग वाले दिन, और पोलिंग वाले दिन क्या, जिस दिन सुनील सोनी जी को प्रत्याशी बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी में कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ता, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के रूप में चुनाव लड़ती है। सुनील सोनी जी को टिकट मिलने के पहले ही हम सब आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण का उपचुनाव, जिसमें 8 बार हमारे योद्धा, अजय योद्धा बृजमोहन अग्रवाल जी, जो कि यहां से विधायक थे और छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री भी थे, वो यहां से जीतते आए, और पिछला चुनाव जो हुआ था 1 साल पहले 10 माह पूर्व, उसको रिकॉर्ड मतों से पूरे छत्तीसगढ़ में 67,700 मतों से जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने जीता था, हम सब आश्वस्त थे कि ये चुनाव भी हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज में कमी आई, जो पिछले बार 61% हुई थी, इस बार महज 50% रहा, इसको लेकर लोग कह रहे थे कि ये नाराजगी है बीजेपी के प्रति। देखिए, उपचुनाव रहता है, जनता में थोड़ा उत्साह कम रहता है इसमें वोट डालने जाने का, 1 साल के अंदर में ये तीसरा चुनाव था, तो निश्चित ही वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से जनता का स्नेह कम नहीं हुआ, क्योंकि 10% जहां वोटिंग का कम हुआ है, आप अगर टोटल वोटों से 10% माइनस कर लेंगे, 27,000 वोट को अगर घटा लेंगे 2,72,000 में से, तो निश्चित तौर पर 40,000 से ऊपर से जीत रहे हैं सुनील सोनी जी। तो आंकड़ा कहीं ना कहीं उस 67,700 का आंकड़ा जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने दिखा था, उसी रिकॉर्ड मतों की ओर सुनील सोनी जी अग्रसर हैं, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ी जीत यहां पर जीत के आएगी। क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने, आप जानते हैं, निष्क्रिय और सक्रिय वाली जो बात करी थी, जनता ने उन्हें बता दिया कौन निष्क्रिय और कौन सक्रिय। एक पार्षद से, एक सभापति से लेकर, एक महापौर से लेकर, एक आरडी अध्यक्ष से लेकर, एक सांसद तक का सफर अगर सुनील सोनी जी ने तय किया है, तो जनता ने अपना स्नेह और प्रेम हमेशा उन्हें दिया है, और इस बार भी निश्चित रूप से एक निर्णायक परिणाम की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन अमित जी, जिस तरह से आपने कही कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई उससे बीजेपी को ही नुकसान हुआ, तो कहीं कहीं बीजेपी के नाराज वोटर्स ने ही मतदान नहीं किया? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसा कि कांग्रेस ने उसके पूर्व भी भ्रमक में प्रचार किया था, जातिवाद का करा था, ब्राह्मणवाद का किया था, तो जनता ने उसे बिल्कुल नकार दिया। चाहे ब्राह्मण पारा हो, चाहे सुंदरनगर हो, जहां ब्राह्मणों की बाहुलता हो,
चाहे जहां मुस्लिमों की बहुलता हो, तो भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और बिल्कुल ही हर धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है। और आप देख लेंगे चाहे मुस्लिम बहुल्य हो चाहे ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी हर जगह से लीड कर रही है और सुनील सोनी जी निश्चित ही निर्णायक जीत की ओर अग्रसर हो चुके हैं। देख सकते हैं कविता कि किस तरह से अलग अलग रूप में बीजेपी के तमाम जो नेता है इस जीत के लिए कहीं ना कहीं ये बीजेपी की तमाम नेताओं के एकजुटता और उनके मुद्दे और लगातार जो विकास के काम हुए हैं उन्हें ही तरजीह दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ और ये पूर्व विधायक जी हैं, देवजी भाई पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जिस तरह से निर्णायक बढ़त दिख रही है इसके लिए क्या वजह मानते हैं आप प्रमुख रूप से? देखिए दक्षिण विधानसभा में बिजनौर जी लगातार 8 बार चुनाव जीते हैं। 8 बार चुनाव जीतने का उनका व्यक्तित्व और वहाँ विकास ये बिजमोहन जी ने लगातार करके दिखाया। बिजमोहन जी मध्य प्रदेश के जमाने से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं 1990 से, और उन्होंने एक क्षेत्र को जो है ऐसा गुट दिया और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ प्रभाव है। आज मैं समझता हूँ कि 2023 में जो मतदान हुआ था और जिस समय मतदाता भी कम थे और अभी मतदाता भी बढ़े हैं, तो उस हिसाब से जो ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी का और जनता का जो बीच में आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो लगातार ट्रेंड के हिसाब से बढ़ा है। क्योंकि हमारे जो मतदान भी इस बार कम हुआ है, उपचुनाव में वैसे भी लोगों में रुझान कम रहता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जो है यहाँ पर लीड मिली है। पटेल जी जब टिकट का वितरण हुआ तो ये देखा जा रहा था कि माना जा रहा था कि बहुत सारे जो और प्रत्याशी दावेदार थे उनके अंदर नाराजगी है, क्या वो नाराजगी इसमें सब मान गए संतुलित हो गए कैसा रहा? नहीं देखिए नाराजगी नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो जिम्मेदारी का वहन करते हैं। आप उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कि 2000 ये अपना लोकसभा चुनाव में बिजमोहन जी को टिकट दिए और सुनील सोनी की टिकट कट गई, मगर सुनील सोनी जी कंधा से कंधा मिलाकर बिजमोहन जी के साथ रहे और चुनाव जो है ऐतिहासिक चुनाव जिताने में, और आज सुनील सोनी का फिर से आकलन हुआ और सुनील सोनी जी को फिर से विधानसभा दक्षिण विधानसभा की टिकट मिली। बिजमोहन जी पूरी तरह से बिजमोहन जी की सीट में और बिजमोहन जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी जो है ये चुनाव भी उसी प्रकार से। बीजेपी के तमाम बड़े नेता चाहे सीएम हो या तमाम मंत्रीगण ये दावे कर रहे थे कि 1 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे, लेकिन मतदान प्रतिशत ही कम हो गया, 11% मतदान और कम हो गए पिछले समय से, इसकी क्या वजह मानते हैं? नहीं देखिए उपचुनाव है, उपचुनाव में रुझान कम ही रहता है लोगों का, ये तो जनता के बीच में प्रशासन ने भी प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस है वो सभी ने प्रयास किया, मगर जो मतदान था वो भारतीय जनता पार्टी के ही निकले, और जिस प्रत्याशी को कोई जानता नहीं था उस प्रत्याशी को कांग्रेस अगर फिर से होगी तो जनता कहाँ निकलेगी। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के ही बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया होगा जिसके कारण आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति हो रही है। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रति भी रही है, इसलिए इस तरह के जो परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन दिलीप यदि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ये कह रही है कि जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके प्रति जो है जनता की नाराजगी है। जी बिल्कुल, इसको लेकर हमने अभी सवाल किए थे और तमाम जो नेता है बीजेपी के इनका कहना है साफ तौर पर कि जिस तरह से उनके ऊपर निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं वो भ्रम फैलाने वाली बात है, क्योंकि वे लगातार जब महापौर थे आरडीए अध्यक्ष थे तो बहुत सारे विकास के काम किए हैं, उनके सांसदी जो काम कार्यकाल रहा है जो पूर्व सांसद रहे तब भी बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं, चाहे रेलवे का नवीनीकरण की हो, रेलवे स्टेशन को काफी कुछ काम दिए है, बहुत सारे ब्रिजों का निर्माण हो या बहुत सारे विकास के जो काम है स्मार्ट सिटी के नाम से जो फंड आए हैं तो इसमें बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है, इस तरह के बीजेपी ने कहे थे। और स्वयं बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उनकी तमाम जो उपलब्धियां है 5 साल की पूरी उपलब्धियों का एक ब्यौरा दिया था कि किस क्या क्या काम उनके कार्यकाल में हुए हैं, तो इस तरह से हालांकि क्योंकि वे लगातार रहे हैं संपर्क में रहे, लेकिन क्योंकि एक तरह से कांग्रेस का एक प्रयास रहा है कि उन्हें निष्क्रिय प्रत्याशी के तौर पर पेश करें और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन अब जब चुनावी रिजल्ट सामने है हमारे सामने तो ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस का यह जो कार्ड है वो नहीं चल पाया निश्चित तौर पे। बिल्कुल दिलीप आप बने रहिएगा, इसकी फायदा बीजेपी को ही मिला है। जी बिल्कुल आप बने रहिएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
चलिए ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। तो झारखंड रुझानों में झामुमो गठबंधन को बहुमत, 50 सीटों पर झामुमो गठबंधन ने बनाई बढ़त। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना और 5 मंत्री पीछे। इंडिया गठबंधन 49 सीटों पर आगे चल रही है तो एनडीए को 28 पर बढ़त। झारखंड में 81 सीटों पर मतगणना जारी है। झारखंड चुनाव के शुरुआती रुझान में इंडिया गठबंधन को बहुमत, इंडिया गठबंधन को 50 सीटों पर बढ़त। झामुमो को 30, कांग्रेस को 13, आरजेडी को 5 सीट। तो बीजेपी गठबंधन को अब तक 29 सीटों पर बढ़त। तो इंडिया गठबंधन को 50 सीटों पर बढ़त। तो बीजेपी को 25, आजसू को 2 और जेडीयू को। तो झारखंड चुनाव के शुरुआती रुझान में इंडिया गठबंधन को बहुमत, इंडिया गठबंधन को 50 सीटों पर बढ़त। महाराष्ट्र में बीजेपी को बंपर बढ़त। महायुति राज्य की 288 सीटों में से 215 पर आगे। झारखंड में रुझानों में झामुमो गठबंधन को बहुमत, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना और 5 मंत्री पीछे। दिलीप साहू हमारे संवाददाता के साथ, बीजेपी प्रवक्ता बिमल चोपड़ा जी मौजूद हैं, उनसे भी सवाल कर लेते हैं। बिमल जी से सवाल कर लीजिए कि जो सत्य प्रकाश जी हैं उनको पूरा भरोसा है कि जो रुझान है उसमें बदलाव आएगा, अंत समय तक बदलाव होगा और जो आकाश है वो जीत रहे हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टूडियो से सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं। बिमल जी ऐसा है, कांग्रेस ये कहती रहेगी और आखिर में उनको निराश होकर के लौटना पड़ेगा। इतना ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए। जब एक भी राउंड में आप आगे नहीं हो रहे हैं
तो फिर आप किस उम्मीद से ये कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे? अब भारतीय जनता पार्टी लगभग जो है उतने ही मतों से जीत रही है जितने मतों से हम यदि प्रतिशत में हिसाब करेंगे पिछला चुनाव जीता था हमने। तो एक प्रकार से कांग्रेस के लोगों को चिंतन मनन करना चाहिए और वास्तविक स्थिति स्वीकार करनी चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। कांग्रेस के लोगों को अपने लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए कि किस प्रकार से काम करें। कांग्रेस के लोगों को अपनी नीतियों पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को जो पिछली भूपेश सरकार ने भ्रष्टाचार किया और उनके लोग आज भी जेल में हैं, उस पर चिंतन करना चाहिए कि हमको किस रास्ते पे चलना चाहिए, तब वो कुछ उम्मीद करें। लेकिन आज आप यदि देखेंगे पूरे देश में जो है, ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, माहौल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनते जा रहा है। हम चाहे झारखंड में सरकार नहीं बना रहे लेकिन हमारी सीट बढ़ रही है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी और सरकार के रहते जो है, जो कांग्रेस ने प्रचार किया था नहीं वहां जो है महाविकास आघाड़ी जीतेगी, वो आज ध्वस्त होता दिख रहा है और एक बहुत शानदार जीत जो है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वहां कर रहा है। आप देखेंगे कि जो नारा मोदी जी ने, योगी जी ने दिया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसका असर पूरे देश में हो रहा है। और महिलाओं के प्रति जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में चालू की, छत्तीसगढ़ में भी चालू की, कांग्रेस ने भी यही बातें कही, लेकिन कांग्रेस पर अब लोगों का विश्वास नहीं है कि कांग्रेस जो कहेगी वो करेगी, ऐसा लोग अब बिल्कुल नहीं सोचते। और उनका कहना यह है कि कांग्रेस विश्वासघात करती है, छलती है, वह अपने घोषणा पत्र में कुछ कहती है और चुनाव आने के बाद जो है वो कुछ और करते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सब मिलकर के जो है आज पूरे देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं। आप चाहे देख लीजिए मोदी जी को, देख लीजिए योगी जी को, देख लीजिए चाहे महाराष्ट्र, सब जगह, चाहे छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सत्यप्रकाश जी, यदि हर राउंड की बात करें, हर राउंड में सुनील सोनी आगे चल रहे हैं, एक राउंड में भी आकाश शर्मा ने लीड नहीं ली है, तो ये कैसा भरोसा है आपका? ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा? सत्यप्रकाश जी, बोल रहे थे, मैं उस पर थोड़ा बोलना चाहूंगा। देखिए, विमल चोपड़ा इतने वरिष्ठ हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, चुनाव हो गए, आज मतगणना है, उसके बावजूद भी ये कटेंगे बटेंगे तमाम सी बात कर रहे हैं। अरे चोपड़ा जी, आप अडानी जी पे क्यों नहीं बोल रहे? वारन अडानी, जनता उसका भी जवाब जानना चाहती है। जनता यहां 11 महीने 1 साल हो गए, अपराध पे बात करना चाहती है। आदिवासियों को जो आपने खून बहाया उस पर भी बात करना चाहती है और जवाब चाहती है। यहाँ पे जनता ये जानना चाहती है कि मतारी बंधन का आपने बोला था कि सभी को मिलेगा, मगर उसमें इतने कैटेगरी क्यों लगे, हमको तो नहीं फायदा मिल रहा है, उसका भी जवाब जानना चाहती है। छात्राओं को आपने बोला था रोजगार मिलेगा, 1 लाख रोजगार देंगे, मतलब 20,000 प्रति वर्ष 1 साल हो गया, कितने रोजगार दिए बता दें। ठीक है, लाठियां मिल रही है, इनके नेता इनके मंत्री बोलते हैं कि अरे पैसा ही नहीं है, कहां से रोजगार देंगे। तो देखिये, अगर आप लीड में है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब चीजें धुल गई, आपकी आपके पाप धुल गए हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है। जनता के जो सवाल है वो अभी भी खड़े हैं। एनसीआर भी आंकड़ा कह रहा है कि अपराध बढ़े हैं, तो बढ़े हैं। अगर वोट पड़ रहा है या आप आगे चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपराध कम हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख रोजगार आपने दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हसदेव कटना रुक गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सीएम जो है वो अब कहीं ना कहीं कठपुतली नहीं है। तो यही बोलना चाह रहे हैं, जनता का सवाल वही क्यों है, उसके जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, चलिए, बहुत ही धन्यवाद अनिरुद्ध जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सत्यप्रकाश जी आपका भी, और विमल चोपड़ा जी आपका भी। Thank you.